नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सिन्हा, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स LUT, यानी क्या है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यानी जो GST हम बोलते हैं कि GST हमें एक्सपोर्ट में नहीं देना पड़ता है। इंडियन जो बिजनेसमैन है, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, उनको GST फ्री है, GST नहीं देना पड़ता है। जो इंडियन गवर्नमेंट ने उनके लिए ये बेनिफिट रखा है कि आपको GST भरने की जरूरत नहीं है, या GST आपने भर दिए तो उसको आपको क्लेम कर सकते हैं, वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो इन्हीं से क्वेश्चंस का मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया दोस्तों। सबसे पहले मेरा पॉइंट आता है कि GST कौन क्लेम कर सकता है, GST क्लेम करके आप उसको रिफंड ले सकते हैं, तो वो कौन कर सकता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कोई भी एक इंडियन एक्सपोर्टर उसको कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन यही फर्स्ट पॉइंट है, नो केस रनिंग ऑन द एक्सपोर्टर, यानी जो एक्सपोर्टर है उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। सेल टैक्स की सभी कंडीशन उसकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी जो नया एक्सपोर्टर है तो उस पर सेल टैक्स का कोई केस होगा ही नहीं, तो वो आंख बंद करके अपना बिजनेस चालू कर सकता है, उसमें कोई इश्यू की बात नहीं है। लेकिन जो लोग यहां बिजनेस कर रहे थे, जो लोग इंडियन मार्केट में पहले से अपनी लोकल मार्केट में बिजनेस कर रहे थे और उनके पास में कुछ ऐसा केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो वो लोग LUT के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो लोग एलिजिबल नहीं है। पहले उनको केस से ओवर होना पड़ेगा और वो ओवर हो जाएगा, ओवर होने के बाद फिर आप LUT के लिए एलिजिबल हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू की बात नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आता है GST पोर्टल पे आप क्या क्या सर्विसेज ले सकते हैं, यानी LUT आपको कहां से अप्लाई करना है। ये GST की जहां पर आप GST अपना फिल करते हैं, जैसे जो लोकल मार्केट में बिजनेस करते हैं उनको भी मालूम है, या जो आपका CA है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपका जो एक्सपर्ट है आपके टैक्सेस का, वो उसको भी आपको ये आइडिया होगा, या आप उसको खुद भी कर सकते हैं। जैसे मैं तो अपना GST खुद ही भरता हूं, खुद ही GST की वेबसाइट को ऑपरेट करता हूं, तो आप भी ऑपरेट कर सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है दोस्तों। तो GST के पोर्टल पे आप जाइए, www.gst.gov.in आप उसमें डालिए, या गूगल में डायरेक्ट आप GST भी डाल देंगे। अगर आप इंडियन गूगल ये सर्च इंजन से आप सर्च कर रहे हैं तो आप GST डालिए तो उसमें पहला ही आ जाता है, तो उसको आप क्लिक कीजिए, तो उसमें आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज के बाद उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें LUT आएगा, यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और वहां पर उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो वहां पे आपको विटनेस लगेगा। जैसे आप अगर LUT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दो विटनेस लगेंगे, आपको आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, और आपका DSA लगेगा, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो रहता है वो आपको लगेगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास लगने वाले हैं, यानी DSA, आधार कार्ड, पैन कार्ड और दो आपके विटनेस लगेंगे, जो फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके कजन भी हो सकते हैं। विटनेस जरूरी नहीं कि कोई एक्सपोर्टर ही विटनेस है, एनीबडी कैन बी विटनेस फॉर योर LUT, आप LUT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि LUT का वैलिडिटी कितना होता है। LUT का वैलिडिटी होती है 1 financial year, यानी आपने एक बार LUT अप्लाई कर दिया है तो बार बार उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक LUT जो अप्लाई किया है वो आपका 1 year तक वैलिड है, आप उसमें कभी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 1 साल का आपके पास में मार्जिन है। अब नेक्स्ट आता है कि LUT के लिए, मतलब जो LUT हमें आता है, LUT आने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, तो नॉर्मली वो 7 days से 30 days तक का टाइम लगता है। 7 days मिनिमम टाइम है, यानी जब सब आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, सब आपने ठीक से फिलअप किया है, आपके विटनेस ठीक है, जो विटनेस आपने दिए हैं वो सब नाम, एड्रेस प्रूफ, वो सब आपका आधार कार्ड मैच कर रहा है, आपका जो GST नंबर है उसके साथ में आपका बिजनेस का नाम और आपका IEC कोड, वो सब ये सब डिटेल अगर मैच करें तो मिनिमम 7 days में आपको आ जाता है, पर मैक्सिमम लिमिट दिया गया 30 days, यानी 7 days से 30 days के बीच के अंदर आपको LUT अलॉट हो जाएगा। आपको LUT किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 30 days आपको LUT मिल जाता है, अगर सब कुछ आपका नॉर्मल रहता है, सही रहता है। नेक्स्ट आता है कि LUT जब आप लेते तो आपको कुछ GST लगता है। यस, ये बहुत से एक्सपोर्टर्स को भी नई आइडिया रहता है, या फिर जो नई बिजनेसमैन है उनको भी नई आइडिया रहता है, उसमें 0.1% आपको GST देना रहता है। यानी जैसे अगर 1 lakh rupees का आप ले रहे हैं या फिर 10 lakh rupees का आप ले रहे हैं, तो उसमें 1% जितना बनता है उतना अमाउंट आपको भरना पड़ता है, वो GST का 0.1% लगता है LUT के लिए। तो नेक्स्ट आता है कैन GST रिफंड, हाँ GST आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट, जैसे अगर आपने LUT नहीं लिया और आप उसमें पहले
जो आपका जीएसटी, पहले जीएसटी आपने पे कर दिया, यानी जैसे आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो किसी मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर से आपने गुड्स लिया लेकिन वो आपको जीएसटी लगा के दे रहा है, तो जीएसटी आप उसको पे कर दीजिए, उसके बाद में आप जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकते हैं, रिफंड हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू की बात नहीं। आपको बस शिपिंग फाइल अपनी दिखानी रहेगी कि ये प्रोडक्ट मैंने एक्सपोर्ट किया है तो मुझे जीएसटी में छूट देनी चाहिए, तो उसमें गवर्नमेंट आपको छूट देगी, उसमें आपको रिफंड आ जाएगा। तो रिफंड के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसमें जीएसटी के लिए जो LE2 के लिए रिफंड फॉर्म होता है वो होता है जीएसटी RFD 11, यानी RFD मतलब रिफंड, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, तो फॉर्म का नाम रखा गया है जीएसटी RFD 11। तो अभी देखिए ये तो पॉजिटिव साइड तो सबको बताता है कि पॉजिटिव LE2 अच्छा है और आप बिना टैक्स भरे, बिना जीएसटी भरे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इसका निगेटिव साइड क्या है जो मुझे फील हुआ है, जो बाकी अगर वो कोई एक्सपोर्टर है उसको आप महसूस होता होगा, उसको फील होता है डे टू डे उसके जो बिजनेस है उसमें इश्यूज आते होंगे, तो वो क्या है डिसएडवांटेज के जो प्रोज एंड कॉन्स है, तो उसमें है अगर जब आप LE2 के अप्लाई करते हैं, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको शिपिंग फाइल, जो फाइल शिपिंग आपने फाइल किया है तो आपको सप्लायर को देना रहता है, क्योंकि देखिए आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आपने गुड्स मैन्युफैक्चरर से लिया है उसको आपने एक्सपोर्ट किया, तो जो आपको जीएसटी देना था सप्लायर को, यानी सप्लायर जो अपना जीएसटी भरेगा तो उसको जो आपने जीएसटी के पैसे देने थे वो अभी आप नहीं दे रहे हैं, तो उसको आपने उसके अगेंस्ट में LE2 देना पड़ेगा, तो उसमें आपको जो शिपिंग फाइल है, शिपिंग जो आपने एक्सपोर्ट किया है वो देना रहेगा, तो उसमें डिटेल रहेगी बायर की, बायर का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, कंपनी, ये सब उसमें डिटेल रहेंगी। तो इसमें बस रिस्क यही है कि जो सप्लायर है आपका वो डायरेक्ट विदाउट यू शॉर्टकट में डायरेक्ट वो बायर से बात कर ले और वो अपना डायरेक्ट डील करना चालू कर दे, जो आपका मार्जिन है बीच में, आपका जो कमीशन मार्जिन है, आपका जो एक्सपोर्ट का प्रॉफिट मार्जिन है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, या फिर अगर कोई आपका डील ऐसे है, आपने MOU किया हुआ है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन किया हुआ है कि जो आपका सेलर है, जो आपका सप्लायर है, वो सप्लायर आपके बायर के साथ में डील नहीं करेगा फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, ऐसे कई बार कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि आपको 2 साल तक मैं आपके बायर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, या मैं 5 साल तक आपके बायर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, बस कंडीशन ये कि आप जो भी एक्सपोर्ट, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप मुझसे एक्सपोर्ट कीजिए, या फिर कई बार उसमें ये कंडीशन रहती है कि आप 80% जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 80% आप हमारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कीजिए, तो वो सब टर्म्स एंड कंडीशन आप डिफाइन कर सकते हैं और आप स्टाम्प पेपर पे उसको लिख के, उसका जो बॉन्ड है बॉन्ड पेपर पे उसको रख के आप इसको नोटिफाई करा सकते हैं, नोटरी के जो वकील रहते हैं, जो एडवोकेट रहते हैं, उससे आप ये नोटिफाई करा सकते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा आपका, तो उसमें उस केस में इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मली एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो मैन्युफैक्चरर है या जो आपका सप्लायर है उसको बायर का डिटेल मालूम हो जाएगा, तो वो ही में डायरेक्टली कैन कॉन्टेक्ट, तो वो एक बस थोड़ा सा इश्यू है। अदरवाइज जीएसटी बिना पे किए आप LE2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज आप अगर इसमें ये इससे बचना चाहते हैं कि कैसे इससे हम बचे कि मेरे सप्लायर को, मेरे बायर का डिटेल मालूम ना रहे, तो उसमें सबसे बेस्ट यही है कि आप जीएसटी पहले पे कर दीजिए और फिर उसके बाद में आप उसको रिफंड क्लेम कर लीजिए, यानी जीएसटी आपने पे कर दिया और फिर आपको रिफंड तो मिल ही जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का स्कीम है, इसमें कोई ऐसे प्राइवेट या फिर कोई ऐसे ये नहीं है कि कोई उसमें नहीं आपको देगा, वो आप उसमें ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। आप पहले एक्सपोर्ट कर दीजिए, आप जीएसटी पे कर दीजिए और फिर उसके बाद जीएसटी आप क्लेम कर लीजिए, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हर एक हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो बिजनेस में आना चाहते हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, या जो लोकल बिजनेस कर रहे हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो दोस्तों लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।